हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। गुलाब का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सकर ब्रांच। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू में रोज़ ग्रो करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सकर ब्रांच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये हमारे प्लांट के लिए अनवांटेड होते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगी सकर ब्रांच के बारे में। तो अगर आप बिगनर हैं और रोज़ ग्रो कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेरा हाइब्रिड रोज है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ग्राफ्टिंग पोर्शन है और यहाँ से चार ब्रांचेस निकली हुई हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं वो रूट स्टॉक है, यहाँ से भी एक ब्रांच निकली हुई है। तो नीचे का जो रूट स्टॉक होता है वो एक्चुअली जंगली गुलाब का होता है और उस पर ग्राफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हाइब्रिड रोजेज हैं वो हमारे इंडिया में हर क्लाइमेट में उनका सर्वाइवल रेट अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो नीचे एक ब्रांच निकली हुई है एक्चुअल में यही सकर ब्रांच होती है और ये हमारे प्लांट के लिए अनवांटेड होते हैं क्योंकि ये जो भी हम फीड देते हैं, जो भी हम खाना देते हैं, ये इनको एब्जॉर्ब करते हैं और जो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ है उसे ये कम कर देते हैं। और आप ध्यान देंगे कि इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी आपके जो प्लांट के जो ब्रांचेस हैं अगर इससे कंपेयर करें तो ये जो ब्रांच है सकर ब्रांच वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इनकी पत्तियों को देखिए, ये जितनी भी पत्तियाँ हैं वो सात पत्तियाँ हैं और ये बिल्कुल जैसे कि बेल वाले रोज़ होते हैं, वाइन वाले रोज़, उस तरीके से इनकी जो ब्रांचेस हैं वो दिखती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इनकी आप पत्तों से पहचान सकते हैं। ये हरे कलर के होते हैं, बिल्कुल अलग ही ग्रीन कलर होता है ये। जो अक्सर नए रोज़ ग्रोवर होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। मैं कई बार सुनी हूँ कि हमारे ग्रोज अच्छे से ग्रो तो कर रहे हैं पर उनमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है, ब्रांचिंग तो हो रहे हैं पर उनमें फ्लावर कब आएंगे। तो मेन रीज़न यही होता है, ये सकर ब्रांच है, क्योंकि देखिए ये लाइव प्लांट है और इसमें हम फीड दे रहे हैं, इनको एनर्जी मिल रही है, तो इनको जहाँ से जगह मिलेगा ये वहाँ से ग्रो करेंगे। लेकिन ये हमको डिसाइड करना है कि वो जो ब्रांच है वो हमारे लिए काम का है कि काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक और मेरा प्लांट है, यहाँ पर भी बेस से एक ब्रांच निकला हुआ है और इसकी हाइट देखिए ये नॉर्मल हाइट पे है और उन पे एक बर्ड भी बनी हुई है। तो ये जो है वो बेसल शूट्स हैं जो हमारे काम की है क्योंकि इनमें कलियाँ आ गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि एक तो ये पर्टिकुलर हाइट में आके इनमें कलियाँ आ चुकी हैं और दूसरी बात इनके जो पत्ते हैं वो पाँच पत्तियाँ हैं जो नॉर्मल रोज़ में होते हैं, सात पत्तियाँ नहीं हैं। और पत्तियों की जो शेप है इनके, बाकी जो पत्ते हैं उस तरीके से ही इनकी शेप है, ये वाइन की तरह या सात पत्ते इनमें नहीं हैं। यहाँ पे एक और आप प्लांट देख सकते हैं, इसमें भी बेस से शूट निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो रोज़ ग्रो करते हैं वो तो यही विश करते हैं कि बेस से ज़्यादा शूट्स निकले या ब्रांच निकले। उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होंगे। लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सकर ब्रांच तो नहीं है। तो सकर ब्रांच जो है वो ग्राफ्टिंग पोर्शन से नीचे होता है और ऊपर जो ग्राफ्टिंग पोर्शन से निकलते हैं वो होते हैं हमारे काम के ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स अभी इसके साथ हमको क्या करना है, इनको आपको कट कर देना है। आपको ये पहली बात तो इतना लंबा करना नहीं है, ग्राफ्टिंग एरिया से जैसे ही नीचे कोई भी ब्रांच निकलती है तो आप उनको तुरंत ही हटा दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेम से थोड़ा दूर रख के काटा है ताकि इनमें कोई डिजीज़ ना लगे और उनमें हम चाहें तो फंगसाइड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो स्टिक निकली है उसके साथ चाहे तो आप इन्हें वापस से ग्रो करके इनमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं तो, और अदरवाइज़ ये काम करने ही आप इसे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।